वोट पर कसेगी लगाम। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दी है। वक्फ वोट से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई। अगले सप्ताह संसद में बिल लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ वोट जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा और इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन किया जाएगा। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादा अधिकार दिए थे। और दिल्ली संवाददाता अमित पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ ये पूरा फैसला है, किस तरीके से इसे अमल में लाया जाएगा? देखिए, इस बात की संभावना है कि इस हफ्ते वक्फ बोर्ड संबंधित जिसमें वक्फ बोर्ड कानूनों में संशोधन किया जाएगा उससे संबंधित बिल संसद में लाया जाएगा और इसी हफ्ते इसके लाने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि इसमें बदलाव क्या होगा, तो बदलाव ये होगा कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उनमें संशोधन किया जाएगा और इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है, जो सदस्य है, जैसे फिल्म कराते हैं, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर करीब 40 ऐसे बदलाव हैं जो प्रस्तावित किए हैं और शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट की बैठक में इस अहम मसौदे को मंजूरी मिली है और पूरी संभावना है कि इसी हफ्ते यह बिल सदन में लाया जाएगा। अमित, क्या इस फैसले पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने आ पाया, अगर हम बात करें मुस्लिम पक्ष की या फिर विपक्ष की? जी बिल्कुल, हिंदू महासभा की ओर से भी यहाँ पर जहाँ पर इस कदम को स्वागत योग्य बताया जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों की ओर से अभी प्रतिक्रिया का इंतजार है और जब सदन में यह बिल आएगा, जब क्लैरिटी होगी आखिरकार इसके क्या क्या प्रावधान है, तभी स्पष्ट प्रतिक्रिया संबंधित जो ग्रुप्स हैं, संबंधित पक्ष हैं, उनकी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको मुजफ्फर